नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय पशुपालन निगम में नौकरी, 10वीं पास के लिए बीएसएफ में वैकेंसी, एसआई, एएसआई और कांस्टेबल के पद, सैलरी 1 लाख के करीब। रेवाड़ी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आज से, कलश यात्रा में 9 महिलाओं की चेन टूटी, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान से भी पहुँचे लोग। कांग्रेस बोली इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना, 21 फर्मों ने ईडी सीबीआई की रेड, पड़ने के बाद बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। हरियाणा सीएम ने नाडा साहिब गुरुद्वारा में टेका माथा, नायब सैनी बोले करनाल से आज चुनाव प्रसार, अंबाला में अनिल विज का लेंगे आशीर्वाद। करनाल में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम मनोहर लाल स्वागत समारोह में करेंगे शिरकत, सीएम नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद। एल्विश यादव को हरियाणा लाएगी पुलिस, यूट्यूबर से मारपीट केस में होगी पूछताछ, सांपों के जहर की तस्करी केस में गिरफ्तार हो चुका। करनाल में कार की टक्कर से युवक की मौत, 15 फुट तक हवा में उछल कर गिरा, 3 साल पहले हुई थी शादी। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एससी में आज सुनवाई, 237 पिटीशन लगाई गई है, 11 मार्च को कानून का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सत्येंद्र जैन फिर तिहाड़ पहुंचे, 10 महीने बेल पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। पंजाब में पाक बॉर्डर पर अफीम की खेती पकड़ी, सरसों के बीच लगाए 14 किलो पौधे बरामद, बीएसएफ पंजाब पुलिस ने एक तस्कर दबोचा। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।